वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आयुषी रस्तोगी। तो बच्चों, आप ये बताइए, आपकी हिंदी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? कैसे पढ़ रहे हैं आप? चले आज हम हिंदी की रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हिंदी की। पढ़ेंगे आज हम बड़े मजे का मेला। ये बुक है फर्स्ट क्लास की, जिसमें एडिशन है मधुप और हिंदी पाठशाला फर्स्ट। हिंदी पाठशाला फर्स्ट में चैप्टर 8 में है बड़े मजे का मेला। आज हम प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग करते हैं हिंदी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। स ए से ज ल सेजल। बच्चों, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे देख के आप भी बोलो। से जल आ र आओर। ये औ की मात्रा है, मैंने आपको औ की मात्रा पढ़ाई है, और ए की मात्रा मैंने आपको सारी मात्राएं पढ़ाई हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मेरी जरूर देख लीजिए, जिससे आपको मात्राओं में प्रॉब्लम ना हो। से ज ल से जल और रा जे श राजेश। मे र ठ मेरठ में रहते थे। मेरठ क्या है? एक जगह का नाम, और सेजल और राजेश नाम है। ठीक है, सेजल और राजेश मेरठ में रहते थे। वे रेल रेलगाड़ी रेलगाड़ी। वे रेलगाड़ी से द दे ह रा देहरा दू न देहरादून। देखो ये ऊ की मात्रा है और ये एक देहरादून। अपने दादाजी के घर घर गए। वे रेलगाड़ी से देहरादून अपने दादाजी के घर गए। रेल रेल गाड़ी रेलगाड़ी की गति गति छोटी की मात्रा है। गति तेज तेज थी। रेलगाड़ी की गति क्या थी? तेज। खेत और पेड़ पीछे छूट रहे थे। जब रेलगाड़ी चलती है तो क्या होता है, वो आगे आगे जाती है और खेत और पेड़ पीछे रह जाते हैं। खेत और पेड़ पीछे छूट रहे थे। देहरादून आ गया। जैसे जैसे आगे आगे टाइम चलता गया तो देहरादून आ गया। वे घर घर आ गए। वे घर आ गए। दा दी दादी, आपकी मदर और आपकी ग्रैंड मदर होती है ना, उनको बोलते हैं दादी। दादी जी ने बेसन का हलवा, जलेबी और पेड़े बनाए थे। दादी जी ने क्या बनाए थे? बेसन का हलवा, जलेबी और पेड़े बनाए थे। सबने ख उब खूब मजे से खाए। सबने खूब मजे से खाए। अगले दिन दादाजी ग्रैंडफादर अगले दिन दादाजी के साथ मेला देखने गए। और अगले दिन कहाँ गए दादाजी के साथ? मेला देखने। मेले को बोलते हैं फेयर। देखो ये मेला झूला होता है, लाइटिंग लगी होती हैं, बहुत सारी शॉप्स लगी होती हैं। मेले में कई झूले थे। मेले में क्या थे? कई झूले थे। से जल और राजेश बड़े झूले पर झूले। सेजल और राजेश बड़े झूले पर झूले। केले केले सेब और बेर खरीदे। केले से और बेर खरीदे। उन लोगों ने क्या खरीदा था? केले खरीदे थे, सेब खरीदा और क्या खरीदा? बेर खरीदे।
से जल से जल ने एक एक गुड़िया 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 भी ली। सेजल और एक सेजल ने एक गुड़िया भी ली। मेला मेला घूम कर सब सब खुशी खुशी घर घर वापस आ गए। मेला घूम कर सब खुशी खुशी वापस आ गए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ रीडिंग करोगे, रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, जो जो मात्राएं यूज कर रही हूँ आप यूज करोगे, तो 100% आपको हिंदी पढ़नी आ जाएगी, हिंदी रीडिंग करनी आ जाएगी। और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है सामान ले वाले शब्द, जैसे बोलते हैं बेल खेल तेल देर बेर टेर, ये भी आप पढ़ सकते हैं। लेना देना लेना छेना सहेली पहेली हवेली, खेत में क्या क्या उगता है ये बताइए, सोचिए। अब यहाँ ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। सेजल और राजेश कहाँ गए थे आप बताइए। सेजल और राजेश देहरादून गए थे। दादाजी का घर कहाँ था, दादाजी का घर बोलिए बोलिए, दादाजी का घर कहाँ था, दादाजी का घर देहरादून में था। दादाजी के साथ कहाँ गए, मेले में गए थे। सेजल ने मेले से क्या लिया, सेजल ने मेले से क्या लिया था बताइए, आपने पढ़ा था ना, सेजल ने मेले से गुड़िया ली थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।